आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने हल्द्वानी नगर आयुक्त का चार्ज संभाला। मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर शहर को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना मेरा उद्देश्य रहेगा और माफियाओं के अवैध कब्जों को भी हटाया जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम में आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज संभाला। पदभार संभालने के बाद मिश्रा ने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना, सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करने के साथ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है, उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे और ये एक टीम वर्क है, सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। मैं अभी बता ही रहा था आप लोगों को, फिर से बता दूं कि सरकारी भूमि यदि बचेगी तभी आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सुख सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकारी भूमि को अतिक्रमण ना करें, हमारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी कि हम अतिक्रमण ना होने दें, आम जनमानस की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करें। छोटे से छोटा अतिक्रमण, कोई यदि छोटी सी गली में भी अगर अतिक्रमण करता है तो आम जनमानस को, उस गली से निकलने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये सभी से यही कहना है कि अतिक्रमण कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा ना करे तो अच्छा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।